ठीक है प्लीज सर प्लीज सर नहीं स्टील लाइन हमरा से पचारले सर अपन को की प्रकार प्रश्न करा गला सर काहे के चुप रहिले तहसीलदार कहा निर्देश रे लिया जैतिला मृत्युकालीन जमानबंदी मृत्युकालीन जमानबंदी रो वीडियो रेकॉर्डिंग होईछि ना नाही 95% शरीर पड़ा बेले केमिति कहिबाकु समर्थ हेले सौम्य ब्रह्मपुर परिवर्ते कटक आणिबाकु कहिला किए पारालाखेमुंडे क्राइम ब्रांच रो माराथन जेरा सौम्यंकु चिकित्सा करथिबा दुई डाक्टरंकु तीन घंटा धरी जेरा कटला क्राइम ब्रांच टीम सौम्य मेडिकाले पहुंचिबा बेलकु तांको अवस्था किपरि थिला तांको कोन सब चिकित्सा करा जैथिला चिकित्सा परे तांको केऊ परिस्थिति रे डाक्टर स्थानांतर पई परामर्श देथिले पचारि थिले क्राइम ब्रांच टीम यहाँ परे तहसीलदार को ऑफिस रे पहुंची जेरा कटला टीम ये उचंती सही तहसीलदार जी की घटना दिन सौम्य को मृत्युकालीन जमानबंदी नहीं तेज 95% जली जाता व्यक्ति केमी मृत्युकालीन जमानबंदी फिट थे नहीं उठी प्रश्न जेरा बेले आउ एक बड़ कथा सामना को आखिरी ब्रह्मपुर हस्पिटाल थिबा बेले सौम्य को कटक रेफर किए करते नहीं एवं द्वंद एबव 90% 99% भले हम भाबुतले किंतु एबव 90% एबव आधार 9टा आधार जॉइन करले 11टा आधार ला छाडी बल छाडले 11टा एते सब काई गेला ए एते विलंब माने ता कुछ पेशेंट को हम स्टेबलाइज करियार थला स्टेबलाइज ले पेशेंट जदे अवस्था स्थिर नथिबो जदे हम सही अवस्था रे जदे हम रेफर कर दियंतु ताल होए तो पेशेंट बाटरे मर जांतो मंगलवार जगवाळी माळी को सहित जणे वन कर्मचारी को जेरा कटला क्राइम ब्रांच जेउतिरे घटना दिन जिलापाल आसीथिबानी कहिथिले जगवाळी सौम्यंक रहस्यजनक मृत्युरे गोटे परे गोटे रहस्य जोड़ा सहित बड़ बड़ अधिकारी संप्रति आसुची पूर्व डीएफओ और सौम्यंक स्त्री विद्याभारती संदेह घेरें आईआईसी ममता राणी पंडा नाँ आंबुलांस अटकवा अभोग रही क्राइमब्रांच डीएसपी कहते आवश्यक आईआईसी को जेरा कर फोटोग्राफी जदि से रेकर्ड मो हस्तगत है कि मुझे रेकर्डिंग पाई तेल आम देखे भिडियोग्राफी किए करमिन करूँ तेणु जो मैंने परिसर भितर आसवे एविडेंस डॉक्यूमेंटरी हो बा ओरल हो एविडेंस भितर जो माने स्पेस मानु से एग्जामिन करे पांच दिन होला क्राइम ब्रांच टीम सौम्य मृत्यु घटना रे चलाई छी तनाथना सौम्य को सहकर्मी एसीएफ फॉरेस्ट गार्ड रोसिया जगवाळी माळी एवं एम्बुलेंस ड्राइवर को जेरा करी से छी क्राइम ब्रांच तथापि मृत्यु रहस्य एबे भी रहस्यवृत होई रही छी गजपति रु जितेंद्र पारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।